कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सवाल दे रखे 5 सवाल। इन्हें अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है कि अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें एक स्वयं का भाग जाए और एक से भाग जाए। वो संख्याएं जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी आगे तक होती है, लेकिन हमें सिर्फ कहाँ तक, 25 तक की अभाज्य संख्याएं अच्छे से याद होना चाहिए। कहाँ तक की, 23 तक की हमें अभाज्य संख्याएं याद होना चाहिए। कौन कौन सी है 23 तक की अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 25 तक की हमें अभाज्य संख्याएं याद होना चाहिए। ये 25 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, प्रश्न क्रमांक पहला है 140। क्या है? 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो, तो हमें सबसे पहले 2 से करना है। अगर 2 से भाग ना जाए तो फिर 3 से करना है। 3 से 2 से और 3 से ना जाए तो फिर 5 से करना है। 2, 3 और 5 से ना जाए तो 7 से, इन संख्याओं से ना जाए तो फिर 11 से, फिर 13 से। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम पहले 5 से कर ले, 7 से कर ले, 11 से कर ले और इनके अलावा किसी भी संख्या से हमें भाग नहीं देना है। ठीक, अगर इनके अलावा किसी और संख्या से कर लिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 से देख चेक करते हैं। देखो, इकाई अंक सम है। 0 क्या एक सम संख्या है, 140 एक सम संख्या हो गई। 0 सम संख्या, 140 सम संख्या हो गई, तो हमें इसमें किससे भाग करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुण करेंगे 2 से। 2 लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना है। देखो, 2 का भाग देना है 140 में और जो भागफल है उसे यहाँ पे लिखना है। 2 का भाग देना है 140 में, जो भागफल है उसे यहाँ पे लिखना है। 2 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम किस में देंगे, 14 में। 2 का टेबल लेंगे कि 14 कितनी बार मारा है, 7 बार में, तो हमें लिख देंगे 7। 0 में देंगे 2 का भाग तो 0 बार में जाएगा। वापस सम संख्या है तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 का भाग देना है 7 में। ठीक, अब देखो ये कैसे करते हैं ये समझ लेना आप लिख, और बाकी टीचर क्या करते हैं, 2 का 70 में दिया, 35 आ गया, ऐसे लिखते जाते हैं, लेकिन वो कैसे आता है वो समझना। 2 का भाग देना है हमें 70 में। ठीक, 2 का टेबल लेना है 7 से आगे ना जाए, तो 2 को 2, 2 दो 4, 2 3 6, 3 बार में कितना आया, 6, 3 बार में 6 आ गया, 6 लिख दिया, 7 में 6 गया कितना बचा, 1, उतरा 0, कितना हुआ है 10। 2 का भाग अब 10 कितनी बार मारा है, 5 बार में, 2 5 10, ये 0 कितना आया, 35। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 35 लिख देंगे। 35 का इकाई अंक 5 है, जिसका भी इकाई अंक 5 हो उसे किससे करना है, 5 से करना है। ठीक, 5 से करेंगे, 5 का 35 में देंगे, 5 7 35, 7 बार में, 7 का अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या का उसी संख्या से करना है, 7 एकम 7। अभाज्य संख्या आ जाए तो उससे ही डायरेक्ट लिख देना। 140 के क्या क्या आ गए देखो, लिखते थे अपन 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितनी बार गुणे में है, 2 बार, तो जितनी बार गुणे में संख्या होती है उस पर उतनी घात लगा देते हैं। 2 को बड़ा लिखना है और आधार को बड़ा लिखना है, घात को छोटा लिखना है। 5 एक बार है 5 ऐसा कैसे लिखेंगे, 7 भी एक बार है तो 7 को भी ऐसा ही लिख देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम कौन सा, 156। कौन सा लेंगे, 156। देखो ध्यान समझना, 156 कॉल करेंगे, 156 में किससे करेंगे, 2 से। इकाई अंक सम है तो 2 से करना है, अगर इकाई अंक विषम है तो फिर 3 से चेक करना है। ठीक, 2 का 1 में नहीं जाता, 15 मिलेंगे, 2 का टेबल लेंगे 15 से आगे नहीं जाए, तो 2 7 14 कितनी बार में, 7 बार में, कितना गया 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 6 उतरेंगे हो जाएगा 16, 2 का पारा 16 कितनी बार मारा है, 8 बार में, 2 8 16, 78 फिर सम संख्या किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 का लेना है 7, 2 का 7 कितनी बार मारा है, 2 3 6, 2 4 8 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, 3 बार में कितना गया 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 8 उतरा हुआ 18, 2 का पार 18 कितनी बार मारा है, 9 बार में, 2 9 18। अब देखो इसमें हमें किससे, 3 से चेक करना है,
तो तीन से चेक करने के लिए क्या करना है, इन अंकों का योग कीजिए। 9 और 3 का योग करेंगे कितना आएगा, 9 10 11 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का भाग जाता है 12 में, तो हम किससे कर लेंगे, 3 से कर लेंगे। 3 लिखा, 3 का भाग देंगे, 3 का 3 में दिया एक बार में, और 3 का 9 में दिया, 3 दिया 9 3 बार में 13 आया। 13 एक अभाज्य संख्या है, मैंने बोला अभाज्य संख्या का उसी से करना है, 13 एकम 13। 156 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 बार 2 है, एक बार 3 है, और एक बार 13 है। 2 2 बार है, 2 की घात 2 लिखेंगे उसे, गुणित 3 गुणित 13। अब लेना है 3825। तीसरा सवाल लेते हैं, 3825 देखो, इकाई अंक विषम है 5, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से हल करके देखेंगे, इनका योग कीजिए, जो अंक दे रखे हैं इनका योग करना है। 3 और 8 कितना हो गए, 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 और 5 कितने हो, 18, 18 में 3 से भाग जाता है, जाता है, तो हम इसमें किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अब देखो कैसे आता है, 3 का 3 में क्या, एक बार में 3 एकम 3, उतारे 8, अब 3 का 8 से ज़्यादा करने जाना चाहिए, तो 3 दूनी 6, 2 बार में 2 लिख दिया, 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2, 2 के आगे 2 उतरा, 2 के आगे 2 उतरेंगे तो कितना जाएगा, 22, 22 है, 3 का टेबल लोग 22 से आगे नहीं जाए, तो 3 सात 21, 7 बार में, फिर बचा 22 में से 21 गए तो 1, 1 के आगे 5 उतारा, 5 15 हो गए, कितने हो गए, 15, 3 का टेबल 15 कितनी बार में होता है, 5 बार में, 3 पचे 15, ठीक। अब किससे करेंगे, वापस 3 से चेक करेंगे, 2 और 1 3, 3 7 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 चुक 12, ठीक। अब 7, 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 हो गए 15, 3 पचे 15। अब इसमें किससे वापस चेक करेंगे, 3 से अंकों का योग करेंगे, 4 2 6, 6 5 11, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, 425 में भी 11 का भाग, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद इकाई अंक 5 है, तो 5 से चला जाएगा, 5 का क्या नियम होता है, इकाई अंक 5 है, 0 होना चाहिए, 5 के करेंगे 15 40, 42 में से 40 गए 2 बचे, 2 के आगे 5 उतरा, हो गए 25, 25। फिर इकाई अंक 5 है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3 बचे, 3 के आगे 5 उतरा, हो गए 35, 35 कितनी बार मारा 5 के टेबल में, 5 7 बार में, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या आ चुकी है, अभाज्य संख्या का 1 17 का उसी से कर लेंगे, 1 आ जाएगा, कौन क्या आ गए 3825 के, 3 बार 3 सॉरी 2 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 17, 3 की घात 2 लिख देंगे, तो ये 2 बार है, तो 5 की 2 बार गुणे में 5 की घात 2 लिख देंगे, और 17 ऐसा का ऐसा। उम्मीद है आपको 3 सवाल तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रश्न क्रमांक 4 है 5005, चौथा सवाल क्या है, 5005, इसमें किससे करेंगे, देखो विषम संख्या 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे अंकों का योग, 5 और 5 10, 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद इकाई अंक 5 है, तो 5 से चला जाएगा, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 फिर 5 एकम 5। अब 1001 है, 5 से तो जाएगा नहीं, अब किससे करेंगे, 7 से देखेंगे, देखो 7 से का कौन नियम था, भाग देखे, देखो 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, सच्चू का 7 से चला जाएगा, देखो 7 से इसमें भाग देना, आप ध्यान समझो 7 का एक मिल जाता है 10 में लेंगे, 7 एकम 7 एक बार में, 10 में से 7 गए 3 बचे, 3 के आगे 0 उतर आए वाला तो 30 हो गए, 7 का टेबल 30 से आगे नहीं जाए तो सच्चू का 28, 4 बार में कितना गया 28, 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2, 2 के आगे 1 उतरेंगे तो क्या हो जाएगा 21, अब 7 का टेबल 21 कितनी बार में आया 3 बार में, 17 21। अब 7 से नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 7 दून 14 3 बच गए, 3 में जाता ही नहीं 7 का। अब किससे करेंगे, अभाज्य संख्या कौन सी 7 के बाद, 11 से, 11 से करेंगे 14 में, 11 एकम 11, 14 में से 11 बचे गए तो कितने बचे 3, 3 के आगे 3 उतारा हो गए 33, 11 33, 13 का किससे करेंगे, 13 से करेंगे, 13 एकम 13, 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या गए, देखो 5 7 11 और 13, ये आ गए 5 के अभाज्य गुणनखंड, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। लास्ट सवाल लेते हैं पांचवा, पांचवा सवाल क्या है, 7429, दो 7429
429। दो कितने करेंगे अब, दो से जाएगा नहीं सम संख्या, तीन से चेक करेंगे, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 से भी नहीं जाएगा। इकाई अंक 05 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 42, और 9 बज गया, 9 में 7 का भाग नहीं जाता है, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से करेंगे, देखो 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 11 6 66, ठीक, 4 बचे इधर 4, 8 बचे हो गए 82, 1177, 11 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 13 13 से करेंगे, 13 52, 13 5 65, 65 कितने बचे, 99, फिर 13 6 78, 13 7 91, 1 बचे हो गए 19, 13 एकम 13 नहीं जाएगा, 13 से भी। 17 से करेंगे, 17 चौक 68, बचे 6 हो गए 62, फिर 17 17 51, बचे 11 हो गए 119, 17 7 100, देखो 17 से करेंगे 17 चला जाएगा। 17 से करेंगे, अब 17 से कैसे करना ध्यान समझना, मैं भाग देके बता देता हूँ। 17 का भाग देना है 7429 में, क्या आएगा, 17 चौक 68, कितना बचा, 14 में से 8 गए तो 6, ये कुछ नहीं बचा, क्या उतरा, 2, फिर 17 51, कितना बचा, 1 और 1, उतरा 9, 17 7 119, कुछ नहीं बचा, कितना, 437, 437, 437 में 17 से जाएगा नहीं अब, है ना, किससे करेंगे अब, 19 से, 19 2 38, 43 में से 38 गए, कितना चाहिए, 5, उतरे 7 हो गए 57, 19 3 57, कितना का, 3 बार में, 23 में किससे करेंगे अब, 23 से, 23 एकम 23, क्योंकि अब संख्या भी, तो 7429 के बाद गुणनखंड क्या क्या गए, 17 19 23। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।